हार्दिक पांड्या को इस मैच में 2 विकेट आराम से मिल जाएगा। हार्दिक पांड्या को इस मैच में आराम से 2 विकेट मिल जाएगा। उसका पीछे का भी बहुत सारा रीजन है जो कि अभी मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जो अपडेट है आपको लाइव सेशन पर दे दिया जाएगा जब मैच स्टार्ट होगा, उससे ठीक आधा घंटा या 40 मिनट पहले। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फैंटेसी विनर। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट T20I मैचों पर प्रेडिक्शन किया था, मैच बिल्कुल वैसा ही गया था। जैसा कि हमने बताया था हार्दिक पांड्या फ्लॉप होगा, वो हुआ। हम लोगों ने बताया था कोहली जी 3 विकेट लेगा, वो लेकर गया। हम लोगों ने बताया था कि और भी बाकी सारा खिलाड़ी जैसे हो गया संजू सैमसन हो गया, आपको देखने को मिल जाएगा रेजा हेंड्रिक्स का फ्लॉप होना हो, एडम अकरम का फ्लॉप होना हो, हर एक खिलाड़ी हरदीप सिंह का विकेट लेना हो, हर एक खिलाड़ी के ऊपर जैसा जैसा प्रेडिक्शन किया था मैच वैसा वैसा ही गया है। आज भी देख लेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में सेकेंड T20I जो मैच खेला जाएगा उसके ऊपर देख लेंगे क्या होने वाला आज का मैच प्रेडिक्शन, क्या होने वाला अपना टीम कॉम्बिनेशन, और साथ में देखेंगे क्या होने वाला है अपना स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन। उससे पहले बताना चाहूंगा जो जो भाई चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, जरूर से जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। साथ में अगर वीडियो में आपको और भी सारा कुछ चीज़ें जो है चेंजेस चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, थूक सकते हो। फिलहाल के लिए हम लोग बात कर लेंगे दोनों टीमों का क्या होने वाला है, 5 मैचों का रिसेंट स्टैट्स, दोनों टीमों का हेड टू हेड बैटल, यानी कि जब भी दोनों टीम आमने सामने टकराया है तो कौन कौन से खिलाड़ी ने कैसा कैसा प्रदर्शन दिया है, दोनों टीमों का वेन्यू रिकॉर्ड, यानी कि जब भी ये दोनों टीम इस ग्राउंड पर मैच खेला है तो कौन कौन ऐसा खिलाड़ी है जो कि इस ग्राउंड पर हमेशा अच्छा खासा प्रदर्शन दिया है, प्लेयर बैटल, कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन, एंड लास्ट में देखेंगे स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का क्या होने वाला है अपना टीम कॉम्बिनेशन। उससे पहले चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे इस ग्राउंड का, यानी कि इस मैच पे कौन कौन ऐसा खिलाड़ी हो सकता है जो कि इस मैच में आपको तहलका मचाता हुआ देखने को मिल सकता है। हार्दिक पांड्या, हरदीप सिंह, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव इस मैच में कैप्टन एंड वाइस कैप्टनसी बन सकता है, हरदीप सिंह इस मैच में फ्लॉप होता हुआ देखने को मिल सकता है, इनफैक्ट हार्दिक पांड्या इस मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा में आएगा, साथ में VCB बनने का चांसेस हो सकता है। दूसरी तरफ आपको साउथ अफ्रीका की तरफ से देखने को मिलेगा क्लासन, एडम अकरम एंड कोजी। हेनरी क्लासन इस मैच में आपको कैप्टन बनता हुआ देखने को मिल सकता है, इसका पीछे का रीजन क्या है वो भी आपको आगे चलकर बताएंगे। फिलहाल के लिए चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे इस ग्राउंड का थोड़ा सा ड्रीम टीम लास्ट 2 मैचों में कैसा रहा था। यहां पर गौर करेंगे तो यहां पर ऑलमोस्ट बॉलर था, यहाँ पर भी 5 बॉलर था, कैप्टन ऑलराउंडर से, वाइस कैप्टन से, विकेट कीपर से, यहाँ पर कैप्टन ऑलराउंडर से, कैप्टन वाइस कैप्टन से, जो कि अपना ऑलराउंडर बैट्समैन से हुआ जो कि सेम टीम में आया था। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो बैट्समैन बॉलर दोनों ही यहाँ पर ऑलराउंडर का हिस्सा ज़्यादा था बॉलर के कंपैरिजन में, और यहाँ पर जो है बैट्समैन का, यानी कि ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर हाई स्कोरिंग ग्राउंड देखने को मिल सकता है। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे दोनों टीमों का हेड टू हेड बैटल लास्ट मैच में, जैसे कि ड्रीम टीम का हिस्सा में अपने को देखने को मिल गया था, मार्को जेनसन, सूर्या, तिलक वर्मा, संजू क्लासेन, रिकल्टन, कोहली जी, बिश्नोई जी, वरुण चक्रवर्ती, हरदीप सिंह एंड आवेज खान, ये ड्रीम टीम का है जो कि लास्ट मैचों में आया था। कॉमन फैक्टर खिलाड़ी में ऐसा कोई खिलाड़ी देखने को नहीं मिलेगा आपको, हरदीप सिंह दिखेगा एक बार, और महाराज फिलहाल के लिए लास्ट मैच में खेला था लेकिन लास्ट मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा में नहीं आ पाया, सूर्या देखने को मिल जाएगा, और बाकी ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐसा नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा, इसके जरिए सीधा आप ये वाला चैनल पर आ सकते हो, नीचे ज्वाइन वाला बटन में क्लिक करके जो आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। इनकेस आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं या तो फिर लाइव करूं तो आपके पास पहला नोटिफिकेशन चला जाए। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे इस ग्राउंड का डेप्थ एनालिसिस। इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर 160 से लेकर 170 के आसपास होने वाला है, हाईएस्ट टोटल 225 हुआ है, लोएस्ट टोटल 52 रन हुआ है। टोटल मैच यहाँ पर 48 खेला गया है जिनमें से बैटिंग फर्स्ट ने 22 बार जीता, बैटिंग सेकंड ने 25 बार जीता, यानी कि दोनों ही जगह पर इक्वलिटी देखने को मिल सकता है। बिलो स्कोर की बात करें 149 से नीचे 16 बार बना, 150 से लेकर 170 के बीच में 19 बार, 170 से लेकर 180 के बीच में 10 बार, 190 के ऊपर 3 बार बनता हुआ देखने को मिला। आपको जो है ऑलमोस्ट 180 के आसपास इस ग्राउंड पर स्कोर देखने को मिल जाएगा अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो, अगर साउथ अफ्रीका करेगा तो भी होने का चांसेस हो सकता है। इस ग्राउंड का थोड़ा बहुत अपना ये देख लेंगे, यानी कि रिसेंट स्टैट्स क्या रहा था इस ग्राउंड का, ये अपना लास्ट ईयर का साउथ अफ्रीका जो प्रीमियर लीग है उनका है। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 4 विकेट, स्पिनर 2, सेकंड इनिंग में पेसर ने 4, स्पिनर ने 1। दूसरे टीम की देखेंगे तो पेसर ने 1, स्पिनर 1, सेकंड इनिंग में पेसर ने 4, स्पिनर ने 1। पेसर का आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, 22 जनवरी का मैच हुआ, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 10, स्पिनर 0, सेकंड इनिंग में पेसर ने 1, स्पिनर ने 0 विकेट। तीसरा देखेंगे फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 3, स्पिनर 0, सेकंड इनिंग में पेसर ने 5, स्पिनर ने 3 विकेट निकाला। यहाँ पर गौर करेंगे 225 किया, 190 डिफेंड करता हुआ हार गया, मतलब चेजिंग करता हुआ,
यहाँ पर चलो इसको छोड़ते हैं, 159-165 चेसिंग करता हुआ जीत गया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी मतलब चेसिंग करता हुआ मैच को हार गया। यहाँ पर कुछ उतना खास रिजल्ट पता नहीं चल रहा, लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा। इस ग्राउंड पर पेसर ने सबसे ज्यादा विकेट निकाला है, 36 विकेट लास्ट 4 मैचों के अंदर, यानी कि पर मैच में 9 विकेट करके पेसर, सिर्फ पेसर ने लेकर गया। एंड 4 मैचों के अंदर स्पिनर को मिला 8 विकेट, यानी कि पर मैचों में 2 विकेट करके सिर्फ और सिर्फ स्पिनर को मिलता है। यानी कि स्पिनर को लेने का मतलब नहीं है, पेसर तहलका मचा सकता है। पर मैचों में 9 विकेट, यानी कि दोनों तरफ से जो है 4-5 करके गिन सकते हो, यानी कि 6 विकेट गिरने वाला है दोनों टीमों का। इक्वलिटी अगर मानेंगे तो ऑलमोस्ट जो है दोनों साइड का मिला के जो है आपको जो है 9-2-11 यानी कि 12-13 विकेट गिरेगा, 13 विकेट ज़्यादा से ज़्यादा। वहीं पर दूसरी तरफ पेसर के अंदर सबसे ज़्यादा ले विकेट लेकर राइट आर्म फास्ट ने 8 विकेट, राइट आर्म फास्ट मीडियम 18 विकेट, राइट आर्म मीडियम 6 विकेट, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम ने निकाला 4 विकेट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेकर गया, राइट आर्म फास्ट मीडियम, कितना 18 विकेट। स्पिनर का कहीं बात करें सभी को 2-2-3-3 करके मिला, इक्वलिटी है। आगे चलेंगे और देख लेंगे दोनों टीमों का हेड टू हेड बैटल क्या होने वाला। इन दोनों के बीच में टोटल 27 मैच खेला गया, जिनमें से 11 अपना साउथ अफ्रीका ने जीता और 16 इंडिया ने जीता। रिसेंट 5 मैचों में से 4 मैच हारा है, 1 मैच जीता है साउथ अफ्रीका। इंडिया की बात करेंगे, 5 में से 5 मैच विन किया है। जीतने का परसेंटेज दोनों का 50-50 होने वाला है। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दोनों टीमों का प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होने वाला है। इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन ओपन करता हुआ दिख जाएगा। ऑन डाउन पर आपको सूर्य कुमार यादव, फिर टू डाउन पर तिलक वर्मा दिखेगा, फिर आपको हार्दिक पांड्या दिखेगा जो कि लास्ट मैच में तो 3 ओवर बॉलिंग डलाया था, इस मैच में भी 2-3 ओवर बॉलिंग डला सकता है। रिंकू सिंह दिख जाएगा एज ए फिनिशर के रूप में खेल रहे हैं। अक्षर पटेल लेफ्ट हैंड बैट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 2-3 ओवर। स्पिनर का कुछ खास रोल नहीं होने वाला इस ग्राउंड पर, ड्रॉप करके चलेंगे। दूसरी तरफ रवि बिश्नोई लेग ब्रेक होने वाला है, जैसे कि मैंने बताया इस ग्राउंड पर स्पिनर का कुछ रोल नहीं होने वाला, जो ग्रैंड लीग वालों थोड़ा स्पिनर से दूरी बनाकर रखना। अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, अपना टीम में जरूर लेकर चलना। और हाँ, जो लोग स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों खेलना चाहते हो, ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो स्मॉल लीग पर, वो लोग कैप्टन वाइस कैप्टनसी अर्शदीप सिंह को दे सकते हो। दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती लेग ब्रेक, मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच में वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिलाएगा, इनके प्लेस पर जो है होपफुली इनको खिला सकता है यशदयाल, या तो फिर और एक जो बेंच में है उन लोगों को खिला सकता है। आवेश खान टीम में लेकर चलेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन से हो सकता है, अगर इंडिया का टीम पहले बैटिंग किया उस दौरान। दूसरी तरफ बात करेंगे अपना साउथ अफ्रीका की तरफ से, रिकल्टन एडम माक्रम ओपन करता हुआ ऑन डाउन पर स्टोक्स दिख जाएगा, टू डाउन पर हेनरी क्लासन, 3 डाउन पर डेविड मिलर, फिर आपको देखने को मिलेगा क्रूगर जो कि 2-3 ओवर बॉलिंग डालता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, फिर आपको देखेगा मार्को जेनसन राइट हैंड बैट लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम। मार्को जेनसन अपना 4 ओवर कंप्लीट डाल के जाएगा। यहाँ पर से सिमेल एंडल सिमेल की बात करें, हाँ एंडल की बात करेंगे तो राइट हैंड बैट राइट आर्म फास्ट ये भी अपना 4 ओवर कंप्लीट डाल के जाएगा। केशव महाराज स्पिनर का कुछ खास रोल नहीं होने वाला है, ऐसे भी लास्ट मैच पे कुछ खास नहीं किया था, यहाँ पर केशव महाराज को ड्रॉप करके चलेंगे। दूसरी तरफ आपको जो है पीटर देख जाएगा लेग ब्रेक, स्पिनर का रोल नहीं है, ड्रॉप करके चलेंगे। कोविड जी को आराम से अपने टीम में लेकर चलेंगे, क्योंकि 2 मैचों में 6 विकेट इंडिया के अगेंस्ट में सिर्फ और सिर्फ अकेले कोविड जी ने निकाला है। अभी देख लेंगे हम लोग साउथ अफ्रीका का रिसेंट परफॉर्मेंस क्या होने वाला, हेड टू हेड बैटल क्या होने वाला और क्या होने वाला है इस ग्राउंड का परफॉर्मेंस। रिसेंट परफॉर्मेंस में रिकल्टन दिख जाएगा 21 रन, 4 रन, 40 रन, 51 एंड सॉरी 91 एंड 36। हेड टू हेड में एक मैच में 21, ग्राउंड में 4 मैच में 57। कुछ खास इंपॉर्टेंस का रोल नहीं होने वाला है, हम लोग अपने टीम से ड्रॉप करके चलेंगे, लेकिन जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बता देता हूं। अगर साउथ अफ्रीका का टीम पहले बैटिंग कर रहा है, ठीक है, अगर साउथ अफ्रीका का टीम पहले बैटिंग कर रहा है उस दौरान एक आध टीम में एज ए वाइस कैप्टन से बनाकर दे सकते हो, रिकल्टन थोड़ा सा पटका खिलाड़ी है। दूसरी तरफ एडम माक्रम की बात करेंगे, राइट हैंड बैट राइट आर्म ऑफ ब्रेक 8-0, 8 रन, 17 के साथ 0, 69 के साथ 0, 21 के साथ 1 विकेट। हेड टू हेड में 8 मैच में 177 के साथ 1 विकेट, ग्राउंड पर 12 मैच में 327 के साथ 6 विकेट निकाला, ठीक ठाक खिलाड़ी है, ड्रीम टीम का हिस्सा में आ जाएगा तो टीम में लेकर चल सकते हैं। स्टूप्स की बात करेंगे, राइट हैंड बैट्समैन में दिखेगा 11, 10 के साथ 0 विकेट, 20 के साथ 0, 112, 79 रन। हेड टू हेड में 9 मैच में 85 रन का पारी दिया है, ग्राउंड में 17 मैच में 506 के साथ एवरेज 39 का। स्टूप्स का इस ग्राउंड में परफॉर्मेंस सही दिख रहा है, लेकिन हेड टू हेड में कुछ खास प्रदर्शन नहीं है, तो इसी वजह से स्टूप्स को जो है आप लोग अपने हिसाब से ट्राई कर लेना। जो लोग रिस्क लेना चाहते हो, ऑन डाउन पर बैटिंग करने आएगा तो उस दौरान वाइस कैप्टनसी तक दे सकते हो, जो लोग रिस्क लेना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ वो लोग। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहले दिख जाएगा हेनरी क्लासन, लास्ट मैच में 25 रन का पारी दिया, 13 रन, 14 रन एंड 4 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे, 11 मैच में 299 के साथ एवरेज 31 का है, ग्राउंड में 15 मैच में 290 के साथ एवरेज 29 का है। दोनों ही जगह पर बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, टीम में लेकर चलो, कैप्टन वाइस कैप्टन से भी ट्राई कर सकते हो। साउथ अफ्रीका का टीम अगर पहले बैटिंग किया एंड पहले बॉलिंग किया, दोनों तरफ में आप हेनरी क्लासन को ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। डेविड मिलर दिख जाएगा लेफ्ट हैंड बैट्समैन में 18, 8, 36, 50, 30।
हेड टू हेड में 22 मैच में 470 के साथ एवरेज 41 का, ग्राउंड में 18 मैच में 466 के साथ एवरेज 39 का, दोनों ही जगह पर बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। डेविड मिलर भी एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है ड्रीम टीम का, जो लोग ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो वो लोग वाइस कैप्टनसी दे सकते हो एक आधे टीम पर। वहीं पर आपको क्रूगर दिख जाएगा राइट हैंड बैट, राइट हैंड मीडियम, एक के साथ एक विकेट, 12 रन, 51 के साथ एक, 34 के साथ जीरो, हेड टू हेड में एक मैच में एक रन के साथ एक विकेट, ग्राउंड में 17 मैच में 240 के साथ 6 विकेट। में खास तरीके से कुछ प्रेफर नहीं करूंगा, आप लोग भी हो सके तो अपना टीम से ड्रॉप करके चलिए। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाए मार्को जेनसन, राइट हैंड बैट, लेफ्ट हैंड फास्ट मीडियम, 12 के साथ एक विकेट, 9 के साथ 0 विकेट, 29 के साथ 0 विकेट, 2 के साथ 1 विकेट, 18 के साथ 3 विकेट, हेड टू हेड में 4 मैच में 26 के साथ 4 विकेट, 9 मैच में 43 के साथ 9 विकेट। खास कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होने वाला है, लेकिन क्वालिटी बॉलर होने के कारण अपना टीम में आराम से जगह बना कर दो, 2 विकेट तो लेकर जाएगा ही जाएगा, और यानी कि 2 विकेट यानी कि ड्रीम टीम का हिस्सा आराम से बन जाएगा। तो इसी वजह से जो है मार्को जेनसन को आप लोग अपने टीम में जरूर जगह बनाकर दीजिए। दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएगा एंडेल जो कि 6 के साथ 0, 24 के साथ 1 विकेट, 1 के साथ 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, हेड टू हेड में एक मैच में 6 रन के साथ 0 विकेट, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। मैं खास तरीके से प्रेफर नहीं करूंगा, आप अगर चाहो तो अपना टीम में ले सकते हो, ऐसे भी पेसर को विकेट मिला है तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हो वो लोग ग्राइंड लीग का एक आधा टीम पर जगह बनाकर दे सकते हो। केशव महाराज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 5 के साथ 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, हेड टू हेड में 12 मैच में 60 रन के साथ 13 विकेट निकाला, ग्राउंड में 10 मैच में 62 रन के साथ 7 विकेट। स्पिनर का कुछ खास रोल नहीं होने वाला है, इसी वजह से जो है मैं यहाँ पर से केशव महाराज को अपने टीम से ड्रॉप करके चलूंगा। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी। पहली आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा पीटर, जो कि पीटर के प्लेस पर बैट्समैन को भी जगह दे सकता है नेक्स्ट मैच में। 5 के साथ 1 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, हेड टू हेड में एक मैच में 1 विकेट, ग्राउंड में एक मैच में 1 विकेट। खास कुछ इंपॉर्टेंस रोल नहीं होने वाला है, मैं अपना टीम से ड्रॉप करके चलूंगा। दूसरी तरफ कोविड जी 23 के साथ 3 विकेट, 20 के साथ 1, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, हेड टू हेड में 2 मैच में 23 के साथ 6 विकेट, ग्राउंड में 6 मैच में 11 विकेट। दोनों ही जगह पर बढ़िया प्रदर्शन है, टीम में ले चलो, साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन से भी बनाकर दे सकते हो। चाहे अपना साउथ अफ्रीका का टीम पहले बॉलिंग करे बैटिंग करे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कोविड जी को आराम से अपना टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन से प्रोवाइड कर सकते हो। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे स्टार्टिंग पर कौन कौन सा बॉलर बॉलिंग डालने वाला है, बेंच में कौन कौन से खिलाड़ी होने वाला है। स्टार्टिंग यानी कि पावर प्ले में मार्को जेनसन, केशव महाराज एंड कोविड जी, डेथ में मार्को जेनसन, कोविड जी एंड पीटर दिख जाएगा। बेंच में कुछ खिलाड़ी देखने को मिलेगा जिनमें से होपफुली प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर, जैसे कि मैंने बताया बैटमैन का आने का चांसेस बन सकता है। उसके अलावा की अगर बात करेंगे और मुझे नहीं लग रहा कोई भी खिलाड़ी को लेकर आने का चांसेस होगा, फिर भी देखेंगे, मेरे ख्याल से बैटमैन ही सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर आएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे कि क्यों मैं हमेशा माई मास्टर 11 को लॉस कवरिंग एप्लीकेशन बोलता हूँ। उसका पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है माई मास्टर 11 को लॉस कवरिंग एप्लीकेशन बोलने का पीछे का, माई मास्टर 11 आपको प्रोवाइड करता है 100% बोनस एलिजिबल कॉन्टेस्ट, लो कॉम्पिटिशन, ठीक है, लो कॉम्पिटिशन, लो एंट्री फीस, उसके बाद प्रोवाइड करता है आपको हर रोज 50,000 का फ्री गिव अवे, हर रोज, एक आध दिन नहीं, हर रोज आपको 50,000 का फ्री गिव अवे मिल जाएगा। नो जीएसटी, नो टीडीएस, 100% बोनस एलिजिबल कॉन्टेस्ट। साथ में आप अगर अभी डाउनलोड करते हो और ये वाला रेफर कोड यूज करते हो SAKIL शकील 44, तो आपको जो फैंटेसी विनर की तरफ से 200 रुपये का एक्स्ट्रा रियल कैश दिया जाएगा, जिनके साथ आप इजीली कोई भी कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो देर किस बात का, जल्दी जाओ जाकर माई मास्टर 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। फिलहाल के लिए हम लोग बात कर लेंगे इंडिया की तरफ से। पहली आपको देखने को मिल जाएगा अभिषेक शर्मा, 7 रन 7 रन, 34 के साथ 0, 58 के साथ 1, 35 के साथ 0, हेड टू हेड में एक मैच में 7 रन, ग्राउंड पर मैच नहीं है। अभिषेक शर्मा अगर पहले बैटिंग होगा कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर इंडिया का टीम पहले बैटिंग कर रहा है तो आंख बंद करके आप जो अभिषेक शर्मा को कैप्टन वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग का टीम पे, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी तरफ आपको संजू सैमसन दिख जाएगा राइट हैंड बैट विकेट कीपर, 29 रन 106 रन, एक मैच में 107 रन, हेड टू हेड पर ग्राउंड पर मैच नहीं है। मेरा ख्याल से ना अपना मेंटर जो है इंडिया टीम का वो है गौतम गंभीर, और गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को खुला छूट देकर रखा है, तुम भाई तुम्हें जो मर्जी हो खेलो, हम तुम्हें नहीं बिठाएंगे। अब इसी वजह से जो संजू सैमसन बढ़िया प्रदर्शन दे रहा है, जो कि हमने लास्ट मैच पर भी आप लोगों को बताया था, मतलब लास्ट मैच यानी कि ये पहला वाला T20 नहीं, उससे पहले जो मैच हुआ था, आई थिंक सो किसके साथ हुआ था, किसी के साथ तो हुआ था, उस दौरान मैंने बताया था, आई थिंक सो आयरलैंड के साथ या किसी के साथ हुआ था, तो उसी टाइम पर बताया था। तो इसी वजह से जो है संजू सैमसन को आप आराम से अपने टीम में लेकर चल सकते हो, बंदे में बहुत दमखम है, फोड़ सकता है। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव राइट हैंड बैट्समैन, 21 रन 75 रन 8 रन 29 रन 8 के साथ 2 विकेट, ग्राउंड पर 8 मैच में 367 के साथ 56 का एवरेज, ग्राउंड में एक मैच में 56 का।
यानी कि दोनों ही जगह पर बढ़िया प्रदर्शन है। सूर्या कुमार यादव को आराम से टीम में ले चलो, साथ में स्मॉल ग्रैंड लीग दोनों ही जगह पर आप जो है सूर्या कुमार यादव को कैप्टन वाइस कैप्टन से दे सकते हो। 56 यानी कि 80-90 पॉइंट आराम से देकर जाएगा सूर्या कुमार यादव। तो सूर्या कुमार यादव को आग बंद करके आप लोग अपने टीम में लेकर चल सकते हो। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी। पहले दिख जाएगा तिलक वर्मा, लास्ट मैच में 33 रन का पारी दिया, 16 के साथ 0 विकेट, 36 रन, 21 रन, 44 के साथ 0 विकेट, 3 मैच में 62 के साथ 0 विकेट, ग्राउंड में एक मैच में 29 रन का पारी दिया। ज्यादा से ज्यादा ड्रीम टीम का हिस्सा में आ जाएगा, उससे ज्यादा मैं कुछ खास तरीके से प्रेफर नहीं करूंगा। हार्दिक पांड्या की बात करेंगे, राइट हैंड बैट, राइट हैंड फास्ट मीडियम, 2 के साथ 0 विकेट, 47 के साथ 0, 32 रन, 39 के साथ 1, 22 के साथ 2 विकेट, हेड टू हेड में 13 मैच में 174 के साथ 9 विकेट निकाला है। लास्ट मैच में 3 ओवर बॉलिंग डलाया था, इस मैच में भी अगर 2-3 ओवर बॉलिंग डलाता है तो उस दौरान जो है ड्रीम टीम का हिस्सा में आ जाएगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या को इस मैच में 2 विकेट आराम से मिल जाएगा। हार्दिक पांड्या को इस मैच में आराम से 2 विकेट मिल जाएगा, उसका पीछे का भी बहुत सारा रीजन है जो कि अभी मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जो अपडेट है आपको लाइव सेशन पर दे दिया जाएगा जब मैच स्टार्ट होगा, उससे ठीक आधा घंटा या 40 मिनट पहले आप हमको लाइव देखने को मिल जाएगा, उसी दौरान मैं ये चीज भी क्लियर कर दूंगा, तो उस टाइम पर क्वेश्चन जरूर रखना तो मैं बता दूंगा। रिंकू सिंह लेफ्ट हैंड बैट्समैन, 11 रन, 8 रन, 53 रन, बैटिंग नहीं है 6 रन, 3 मैच में 93 रन का पारी दिया है एंड इस ग्राउंड पर 1 मैच में 68 रन का पारी दिया है रिंकू सिंह ने। बाप रे, टीम में ले चलो, सीबीसी अपने साइड से प्रोवाइड नहीं करूंगा, रिस्की चॉइस हो जाएगा रिंकू सिंह। आगे चलेंगे नेक्स्ट, दूसरा खिलाड़ी देखने को मिल जाएगा अक्षर पटेल, 7 के साथ 0, 2 के साथ 1 विकेट, 44 के साथ 1, 33 के साथ 2, 2 विकेट, 13 मैच में 98 के साथ 7 विकेट, हेड टू हेड पर ग्राउंड पर मैच नहीं है। भाई स्पिनर को कुछ खास रोल नहीं है, अक्षर पटेल को ड्रॉप करके चलेंगे। रवि बिश्नोई 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, बहुत ही बढ़िया ले में चल रहा है। रिसेंट 5 मैचों की अगर बात करेंगे तो 3-3, 6-3, 9-10, 2-12, यानी कि रिसेंट 5 मैचों में टोटल 12 विकेट निकाला है। सभी लोग इनका देखना, सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई हो गया, ऑलमोस्ट 80 के आसपास चला गया है। लेकिन रवि बिश्नोई जो है इस मैच में आपको फ्लॉप होता हुआ देखने को मिलेगा, तो रवि बिश्नोई को आग बंद करके ड्रॉप करके चल सकते हो। दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, हेड टू हेड में 7 मैच में 11 विकेट, ग्राउंड में 1 मैच में 0 विकेट, यहाँ पर थोड़ा सही दिख रहा है, 7 मैच में 11 विकेट निकाला, टीम में ले चलो, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा। साथ में जो लोग रिस्क लेना चाहते हो वो लोग कैप्टन वाइस कैप्टनशिप भी दे सकते हो अपना स्मॉल लीग का टीम में, और ग्रैंड लीग में तो आग बंद करके दे ही सकते हो हर्षदीप सिंह को ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टनशिप, ठीक है। अगर इंडिया का टीम पहले बॉलिंग हो तो उस दौरान मजे ही मजे हो जाएगा कैप्टन वाइस कैप्टनशिप में। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी। पहली आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा वरुण चक्रवर्ती, जो कि 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, हेड टू हेड में 1 मैच में 3 विकेट निकाला है, जो कि लास्ट मैच में निकाला है, ग्राउंड पर मैच नहीं है। इनका भी लास्ट 5 मैचों की बात करेंगे, 3-2, 5-2, 7-3, 10, यानी कि 5 मैचों में 10 विकेट निकाला है। इनका भी सिलेक्शन परसेंटेज देखना बहुत ही हाई बन चुका है, लेकिन ये भी इस मैच में फ्लॉप होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। रीजन क्या है? रीजन इस ग्राउंड पर जो स्पिनर का खास कुछ रोल नहीं है, तो इसी वजह से ड्रॉप करके चलना है। दूसरी तरफ आबिस खान राइट आर्म फास्ट मीडियम, 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, हेड टू हेड में 6 मैच में 6 विकेट, ग्राउंड पर मैच नहीं है। अगर इंडिया का टीम पहले बैटिंग करता है उस दौरान आग बंद करके कैप्टन वाइस कैप्टन से आप प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि 3 विकेट लेकर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। भले लास्ट मैच में 2 विकेट लेकर गया, लेकिन नेक्स्ट मैच में आपको 3 विकेट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर इंडिया का टीम पहले बॉलिंग कर रहा है उस दौरान 2 विकेट पकड़ के चलो मिल ही जाएगा। तो भाई अगर इंडिया का टीम पहले बॉलिंग कर रहा है तो टीम में जगह बना कर दो, और अगर इंडिया का टीम पहले बैटिंग कर रहा है कैप्टन वाइस कैप्टन से आप आबिस खान को आराम से प्रोवाइड कर सकते हो। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे स्टार्टिंग एंड डेथ में कौन कौन सा खिलाड़ी हो सकता है। स्टार्टिंग में दिख जाएगा अर्शदीप सिंह, आबिस खान एंड हार्दिक पांड्या, डेथ में दिख जाएगा अर्शदीप सिंह, आबिस खान एंड हार्दिक पांड्या। बेंच में कुछ खिलाड़ी होने वाला है जिनमें से होपफुली प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर आपको देखने को मिल सकता है यश दयाल और विजय कुमार, ठीक है। ये दो खिलाड़ी जो है आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर दिख सकता है। किनके प्लेस पर मैं बता देता हूँ, वरुण चक्रवर्ती के प्लेस पर आ सकता है या तो फिर अक्षर पटेल के प्लेस पर भी लेकर आ सकता है, क्योंकि स्पिनर को कुछ खास रोल नहीं है तो पेसर को ज़्यादा मदद मिल जाए, तो उसी वजह से ये दोनों में से कोई एक को जो है प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर लाने का चांसेस बन सकता है। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे अपना टीम कॉम्बिनेशन किस प्रकार दिखेगा। विकेट कीपर में रखेंगे क्लासन, क्लासन संजू सैमसन, बैटिंग में रखेंगे सूर्या कुमार यादव, डेविड मिलर एंड स्टोप्स, ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, मार्को जनसन, अभिषेक शर्मा, बॉलिंग में रखेंगे अर्शदीप सिंह, कोहिटजी एंड आबिस खान। यहाँ पर क्या क्या चेंजेस करेंगे वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो स्टोप्स है, स्टोप्स के प्लेस पर हम एडम अकरम को जगह बनाकर दे सकता है, अदरवाइज ऑलराउंडर में कोई मुझे नहीं लग रहा, क्लासन को ले लिया, स्टूप्स को लेना थोड़ा मेरा ख्याल से रिस्की हो रहा है यहाँ पर इस मैच में, ठीक है। और बॉलिंग हम लोग सेम रखेंगे, बैटिंग ऑलराउंडर भी सेम रखेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टनसी में थोड़ा सा सुधार रखेंगे, और वो किसको रखेंगे मैं बता देता हूँ, या तो फिर स्टूप्स के प्लेस पर जो आप तिलक वर्मा को भी जगह बनाकर दे सकते हो, ठीक है।
यहाँ पर क्या क्या करना है मैं बताता हूँ। कैप्टन हार्दिक पांड्या को नहीं करना है, कैप्टन आप सूर्या को ट्राई करो वाइस कैप्टन से, मार्को जनसन ठीक है, आप यहाँ पर से क्लासेन को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो ठीक है। मैं फिर से क्लियर करके आपको समझा देता हूँ, कैप्टन होगा सूर्या, वीसी यहाँ पर से मार्को जनसन, मार्को जनसन, हेनरी क्लासेन और अर्जित सिंह ठीक है, कोई जी रिस्की हो जाएगा इस मैच में, आवेज खान, ये कुछ खिलाड़ी, यानी कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन से 1 2 3 4 5 6 इन छो छः में से ही कैप्टन वाइस कैप्टन से चुनना है। अगर इंडिया का टीम पहले बैटिंग कर रहा है, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो लोग अभिषेक शर्मा को भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। कब? अगर इंडिया का टीम पहले बैटिंग कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर इंडिया का टीम पहले बैटिंग कर रहा है उस दौरान सीबीसी दे सकते हो ठीक है। संजू सैमसन को मैं पर्सनली प्रोवाइड नहीं करूंगा क्योंकि फॉर्म पर बंदा आया है, जो लोग रिस्क लेना चाहते हो अभी, जो इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी हाई हो चुका है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी में भी हाई हो चुका है, तो आप चाहो तो जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर से थोड़ा सा अवॉइड करूंगा क्योंकि भाई हाई सिलेक्शन परसेंटेज बंदे को कैप्टन वाइस कैप्टनसी बनाकर कोई फायदा नहीं है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे कौन कौन ऐसे खिलाड़ी होने वाला है जो कि इस मैच में आपको स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों ही जगह पर कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बेस्ट रोल निभाता हुआ देखने को मिल जाएगा। साथ में कौन कौन ऐसा खिलाड़ी होने वाला है जो कि इस मैच में आपको एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में देखने को मिल सकता है। पहले कैप्टन वाइस कैप्टनसी देख लेंगे, सूर्या कुमार यादव, संजू सैमसन, हेनरी क्लासेन, हार्दिक पांड्या का प्लेस पर आप अर्शदीप सिंह और अदरवाइज आप इस यहाँ पर जो है कोहली जी को ट्राई कर सकते हो ठीक है। कोहली जी को आप ट्राई कर सकते हो एज ए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के रूप में। दूसरी तरफ एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में जो आपको कुछ खिलाड़ी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, डेविड मिलर एंड उसके साथ साथ कोहली जी, यहाँ पर से आप जो है ठीक है, यही कुछ खिलाड़ी होने वाला है जिन्हें आप अपना टीम में एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो स्मॉल लीग का ही टीम क्यों ना हो, चाहे वो ग्रैंड लीग का ही टीम क्यों ना हो। वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताते हुए जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर जाना, ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप भी जो अपना फर्स्ट व्यूअर बन सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।